दोस्तों किताब लिखी गई है द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। इस किताब में बताया गया है कि जब 1628 में जब नूरोज फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो कि पर्शियन न्यू ईयर है, उसमें शाहजहां ने अपनी बेगम को 50 लाख रुपए गिफ्ट दिया था, अपनी बेटी को 20 लाख रुपए गिफ्ट दिया था। 1630 में जब गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात, मालवा इन सब जगहों पर जब एक बहुत बड़ा फेमिन सूखा जब पड़ जाता है, जिसमें करीब 7.4 मिलियन लोग मारे जाते हैं, तो शाहजहां इस पूरे त्रासदी को निपटने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए देता है। तो दोस्तों देखा जाए तो मुगल काल के समय भारत में पैसा तो था, पर वो भारत के हिंदुओं के लिए नहीं था, वो मुगल शासकों के अय्याशी के लिए था, बट भारत के हिंदुओं के लिए नहीं था। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्ण। दोस्तों जब पूरी दुनिया अज्ञानता रूपी अंधकार में सो रही थी, तो भारत वर्ष के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जहां पर पूरे विश्व से लोग ज्ञान लेने आया करते थे। भारत वर्ष के अंदर बुद्धयान, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, कनद जैसे महान हस्ती पैदा हुए थे। भारत के बने भवनों, मंदिरों तथा अन्य कलाकृतियों ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाया था। एंशिएंट इंडिया से बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म जैसे धर्म निकल कर आए थे। तो देखा जाए दोस्तों तो एंशिएंट इंडिया नॉलेज, फिलॉसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक इन सभी चीजों में आगे था। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एंगस मेडिसन, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिक स्टैटिक्स, 657 पेजेस का रिसर्च पेपर। इसके पेज नंबर 263 में एंगस मेडिसन ये बताते हैं कि करीब फर्स्ट सेंचुरी के समय भारत पूरी दुनिया का 32.9% जीडीपी शेयर करता था। फर्स्ट सेंचुरी के समय भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर कहा जाए तो वो समय भारत के लिए स्वर्णिम युग था, पर धीरे धीरे भारत के ऊपर तुर्क, अरब, अफगान और ब्रिटिश इन सभी लोगों ने एक के बाद एक आक्रमण किया और भारत के सारे वेल्थ को लूटकर यहां से लेकर चले गए। इस कड़ी में सबसे पहले महमूद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। एक पर्शियन इतिहासकार था जिसका नाम था फरिश्ता, उसने एक किताब लिखी है, ए हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ महमूद पावर इन इंडिया। इस किताब में उसने बताया है कि वर्ष 1001 के समय महमूद गजनी ने काबुल के राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। जयपाल को हराने के बाद गजनी ने वहां से लाखों दिरहम्स की वहां से कर वसूली की। राजा जयपाल के पास 16 स्पेशल हार थे जिनके अंदर अनेक प्रकार के रत्न लगे हुए थे, और एक हार की कीमत करीब 1,80,000 दिनार थी। महमूद गजनी ने इन 16 हार को राजा जयपाल से छीन लिया। इसके बाद 1009 में महमूद गजनी ने नागरकोट के ऊपर हमला किया। नागरकोट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली के आसपास स्थित था। नागरकोट के जितने भी मंदिर थे, भवन थे, किले थे, सबको नेस्तानाबूद करने के बाद एक ऐसा किला था जिसके अंदर शाही खजाना रखा जाता था, मंदिरों का सारा पैसा रखा जाता था। फरिश्ता अपनी किताब के अंदर बताता है कि उस किले से करीब 7 लाख गोल्डन दिनार, 700 मन के गोल्ड और सिल्वर प्लेट्स, 200 मन के प्योर गोल्ड, 2000 मन के सिल्वर, 20 मन के वेरियस टाइप ऑफ जेवल्स जिसके अंदर कोरल, डायमंड, रूबीज, इस प्रकार के जो बहुमूल्य जेवल्स थे, अगर इन सारे लूटी हुई वस्तुओं का अगर हम आज के हिसाब से दाम कैलकुलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नागरकोट की लूट कितनी बड़ी लूट थी। महमूद गजनी ने मथुरा के ऊपर करीब 1018 के समय हमला कर दिया। मथुरा पहुंचने के बाद, मथुरा की खूबसूरती को देखने के बाद, महमूद गजनी कहता है कि मथुरा ऐसा शहर है जिसे हम 200 सालों के अंदर भी लाखों दिरहम्स देने के बाद भी हम इसको बना नहीं सकते हैं, पर इतना खूबसूरत मथुरा शहर 20 दिनों के अंदर ही महमूद गजनी के द्वारा नेस्तानाबूद कर दिया जाता है और हर तरफ तोड़फोड़ मचा दी जाती है। फरिश्ता अपनी किताब में बताता है कि मथुरा के अंदर से 5 गोल्डन भगवान के विग्रह मिलते हैं जिनकी आंखें रूबी से बनी हुई थी, जिनकी कीमत करीब 50,000 दिरहम्स की थी। एक स्पेशल विग्रह मिलता है जिसके हाथों में एक शैफरी रिंग होता है जिसका वजन करीब 400 मिस्कल था। मिस्कल एक इस्लामिक वेट है और अगर हम इसको केजी में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो करीब 2 केजी का जो शैफरी रिंग था। जब इस पूरे विग्रह को पिघला दिया जाता है तो इससे करीब 456 किलो का प्योर गोल्ड निकलता है।
क्राइम अगेंस्ट इंडिया एक बुक है जिसे स्टीफन नैप जी ने लिखा है। अपनी किताब में बताते हैं कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से करीब 2 करोड़ दिरहम्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड जेम्स की चोरी की थी। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के अंदर ये जो आक्रमण हुआ है, जो लूट हुई है, इससे हमें समझ में आता है कि उस समय पर इकोनॉमिक कंडीशन भारत का क्या था। दुख इस बात का है कि दोस्तों, कि हमारे देश के कुछ तथाकथित इतिहासकार महमूद गजनी जैसे लोगों को व्हाइट वॉश करते हैं और इनको अच्छा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोमिला थापर जी बताती हैं कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर और इस प्रकार का कोई आक्रमण किया ही नहीं था। महमूद गजनी के बाद हम डिस्कस करते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी का जब समय था, उस समय भारत के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की क्या कंडीशन थी। एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। इस किताब में बताया गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवागिर के ऊपर हमला किया था, तो देवागिर से उसने करीब 2400 किलो ऑफ गोल्ड, 4000 किलो ऑफ सिल्वर, 28 किलो ऑफ पर्ल्स, 8 किलो ऑफ प्रीशियस स्टोन इंक्लूडिंग रूबीज, सैफ्रिस, डायमंड्स, एमरल्ड्स, 4000 पीसेस ऑफ सिल्क एंड अदर वैल्यूएबल्स, इन सारी चीजों का लूट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद पांड्या और होयसाला डायनेस्टी के ऊपर भी हमला किया। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, फतवाए जहांगीरी बाय जलालुद्दीन बर्रानी। इस किताब में वो बताते हैं कि करीब 612 हाथी, 20,000 घोड़े, 96,000 मन ऑफ गोल्ड, ये सारी चीजों को होयसाला और पांड्या डायनेस्टी से चुरा कर दिल्ली सल्तनत को भेज दिया जाता है। एक इतिहासकार था जिसका नाम था पर्शियन वसाफ, उसने अपनी किताब में बताया हुआ है कि गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमला किया जाता और फिर से सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से लूट कर नेस्तानाबूद कर दिया जाता है। एक किताब लिखी गई है, द लेगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बाय केएस लाल। इस किताब में उन्होंने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, एक समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी घर के बच्चे और उनकी पत्नियां पड़ोस के घरों के अंदर बर्तन और झाड़ू मारने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा लूट की गई थी कि किसी के पास बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। बट दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के द वायर जैसे मीडिया चैनल अलाउद्दीन खिलजी को हीरो की तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसे बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को और हिंदुस्तान को मंगोल के आक्रमणकारियों से बचाया था और उसने भारत की रक्षा की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम मुगल काल की बात कर लेते हैं। मुगल काल के समय भारत में कितना पैसा था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान और तुरान में जहां एक शाही खजांची रखा जाता था, भारत के अंदर 12 शाही खजांची रखने पड़ते थे, क्योंकि भारत के अंदर शाही खजाना भी काफी ज्यादा था। दोस्तों, किताब लिखी गई है द ब्रिटिश एम्पायर एंड हाजी। इस किताब में बताया गया है कि कैसे मुगल काल के समय जो लोग हज यात्रा करने जाया करते थे, वो सरकार के पैसे पर जाया करते थे और साथ ही सरकार का ढेर सारा पैसा मक्का और मदीना को गिफ्ट दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, 1576 में एक मुगल हज कारवा निकलता है और अपने साथ में 6 लाख रुपए का गिफ्ट मक्का के लिए लेकर निकलता है। दोस्तों, उसमें 6 लाख रुपए की क्या कीमत थी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक महीने की नाई की जो तनख्वाह होती थी वो 50 पैसे की थी और एक महीने जो तांगा चलाने वाला व्यक्ति था उसकी तनख्वाह 3.5 रुपए हुआ करती थी। उसी तरीके से 1577 में फिर से 5 लाख रुपए जो है मक्का को गिफ्ट दिया जाता है। ये पैसा जो था वो भारत का पैसा था, यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा था, जो जिनसे मुगल साम्राज्य के लोग कर लिया करते थे, पर ये पैसा मक्का और मदीना को गिफ्ट दिया जाता था। शाहजहां ने भी करीब 2.5 लाख रुपए जो है हज कारवां के थ्रू मक्का और मदीना को भिजवाया और अपने साथ अनेक प्रकार के गोल्ड, जेम्स, ज्वेल्स, डायमंड्स, इस प्रकार की वस्तुएं उसने भिजवाई। एक किताब लिखी गई है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में बताया गया है कि औरंगजेब ने करीब 7 सालों के अंदर करीब 30 लाख रुपए मक्का को भेजा था। दोस्तों, मुगल काल के समय 30 लाख रुपए की कीमत आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वही औरंगजेब था जो कि अगर कोई किसान अगर अपना कर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए उसका हाथ पैर काट दिया जाता था। भारत के हिंदुओं को अपने 4 धाम यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, पर भारत का जो पैसा है वो 30-30 लाख रुपए जो मक्का और मदीना को भेजा जाता था। दूसरे किताब लिखी गई है द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। इस किताब में बताया गया है कि जब 1628 में जब नूरोज फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो कि पर्शियन न्यू ईयर है, उसमें शाहजहां ने अपनी बेगम को 50 लाख रुपए गिफ्ट दिया था, अपनी बेटी को 20 लाख रुपए गिफ्ट दिया था। उस समय 50 लाख और 20 लाख की कीमत आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
1628 के फरवरी से मार्च तक करीब 1,60,00,000 रुपए सिर्फ गिफ्ट में, पेंशन में, रिवॉर्ड में दिया जाता है। दो साल के बाद करीब 1630 में जब गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात, मालवा इन सब जगहों पर जब एक बहुत बड़ा फेमिन, सूखा जब पड़ जाता है जिसमें करीब 7.4 मिलियन लोग मारे जाते हैं, तो शाहजहां इस पूरे त्रासदी को निपटने के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपए देता है। तो ये स्थिति थी मुगल काल की। आपने बहुत सुना होगा मयूर सिंहासन जिसके ऊपर शाहजहां बैठा करते थे, जिसके अंदर कोहिनूर हीरा भी रखा गया था, इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों देखा जाए तो मुगल काल के समय भारत में पैसा तो था, पर वो भारत के हिंदुओं के लिए नहीं था, वो मुगल शासकों के अय्याशी के लिए था, बट भारत के हिंदुओं के लिए नहीं था। मुगलों ने पूरे भारत को कितना लूटा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुगलों के आने से पहले भारत की जीडीपी 28.9% थी, बट जब मुगल राज्य खत्म हुआ तो भारत की जीडीपी 16% तक आके रुक गई थी। यही क्लियर कर देता है कि मुगलों ने कितना लूट भारत ने मचाया है। पर दुख इस बात का होता है जब हमारे देश के कुछ इतिहासकार जैसे कि हरबन मुखिया जैसे लोग जब बताते हैं कि मुगल काफी अच्छे थे और मुगलों ने कोई लूट नहीं किया, उन्होंने भारत को चिकन टीका, तबला, तंदूर दिया है, ताजमहल दिया है, तो ये सोचकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है और वो दुख भी होता है। मुगलों के जाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने भी भारत के साथ लूटपाट करना जारी रखा। 1765 से 1938 के बीच में करीब $45 ट्रिलियन की लूट की जाती है। जब ब्रिटिश भारत में आते हैं तो उस समय इंडिया की जीडीपी 23% थी, बट उनके जाते जाते ये जीडीपी गिर के सिर्फ 4% तक रह जाती है। दुख इस बात का होता है जब कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया है, रेलवे दिया है, बहुत हेल्प किया है, और उन्हें ये दिखता नहीं कि $45 ट्रिलियन की लूट की गई है। दोस्तों जो भी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स, इन सारी चीजों की लूट की गई है, अगर इन सारी चीजों का कीमत अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भारत का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंशिएंट टाइम में कितना था। तो दोस्तों वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। जैसा आजकल दिखाया जाता है कि भारत एक गरीब था, पिछड़ा था, रूढ़िवादी देश था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर भारत एक गरीब और रूढ़िवादी देश होता तो इतने सारे देश से लोग भारत में क्यों आते? भारत एक समय पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी वाला देश था, क्योंकि भारत अपने वैदिक संस्कृति का, अपने वैदिक शास्त्रों का पालन करता था। इसीलिए इस वैदिक कल्चर को, इस वैदिक नॉलेज को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभी मिलकर एक साथ इस वैदिक कल्चर को प्रमोट करेंगे तो भारत को एक बार फिर से हम विश्वगुरु बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों के मन में ये धारणा है कि भारत एक गरीब और पिछड़ा देश था। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी जरूर दें ताकि आगे भी हम इस प्रकार की वीडियोस को बनाते रहें। अगर आपको हमारे द्वारा डिजाइन की हुई ये इंडिक डिजाइन की टी शर्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे मर्चेंडाइज VR मिसफिट से इस प्रकार की टी शर्ट को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हरे कृष्णा।